फरमान सुनाया है। इसकी वजह से पूरे यूरोप में वॉर की टेंशन बढ़ गई है। यूरोपीय देशों पर भड़का इजराइल। नेतन्याहू बोले वॉर जोन से दूर रहे यूएन फोर्स। हिजबुल्ला को जो बचाएगा इजराइल उसे जलाएगा। तेल अवीव की दहलीज को अब हिजबुल्ला लड़ाके दहलाने लगे हैं। रॉकेट से, फाइटर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इसराइल के डिफेंस सिस्टम को चीर कर हिजबुल्ला तेल अवीव को तहस नहस करने के करीब पहुंचने वाला है। हिजबुल्ला के रॉकेट हमले कितने विस्फोटक हैं, इसे हरजीलिया की तबाही बयां कर रही है। इस इमारत पर ड्रोन बम फटा है। न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर अरुण सिंह ने हमले के बाद तबाह हुई बिल्डिंग के भीतर जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग की है। दो किलोमीटर दूर से दागे जा रहे हथियार इसराइल को जला रहे हैं, तो लेबनान की तबाही भी कुछ कम नहीं। जहां इसराइल आसमान से मौत बरसा रहा है, दक्षिण लेबनान के शारबील की बर्बादी न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला की आंखों देखी जानी है। हिजबुल्ला के तहखाने खुलने लगे हैं। इन अंधेरी गुप्त सुरंगों में बैठे नसरल्ला आर्मी के खूंखार फाइटर बेमौत मारे जा रहे हैं। इसराइल आर्मी की 91वीं डिवीजन हिजबुल्ला के तहखाने में घुसकर ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। दक्षिणी लेबनान में सैकड़ों अंडरग्राउंड बंकर को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। हिजबुल्ला के इन सीक्रेट अड्डे से भारी मात्रा में गोला बारूद का जखीरा भी बरामद हुआ है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में सीक्रेट सुरंग से हिजबुल्ला लड़ाकों को जिंदा दबोचने का दावा किया है। लेबनान में सरेंडर करने वाले लड़ाके का वीडियो रिलीज कर अंडरग्राउंड बंकर की फिल्म रिलीज की गई है। आईडीएफ के मुताबिक 7 मीटर गहरे बंकर में छिपे हिजबुल्ला कमांडर की पहचान अभी नहीं हो पाई है। हिजबुल्ला फाइटर गुप्त गुफाओं से एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च कर इसराइल को दहला रहे हैं। जमीन के नीचे बने बंकरों को हिजबुल्ला की रदवान फोर्स इस्तेमाल कर रही है। इसराइल सीक्रेट तहखानों की तबाही के साथ हिजबुल्ला लड़ाके उन रिहायशी बस्तियों में चुन चुन कर मार रहा है जहां वॉर कमांड कंट्रोल रूम में टॉप कमांडर बैठे हुए हैं। इसराइल ने अल शराबील बकास्ता सिडोन में एयर स्ट्राइक करके कई इमारतें जमींदोज कर दी हैं। इसराइल के बारूदी प्रहार से बौखलाए हिजबुल्ला ने भी जोरदार पलटवार शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्ला की 13 अक्टूबर की वॉर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लड़ाकों ने एन मार्गलियाट पर ड्रोन हमला किया। हाइफा के पश्चिम में किरियात अलीएजर में इसराइल के एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ है। तेल अवीव के बाहरी इलाके में हिजबुल्ला ने ड्रोन हमला कर दहलाया है। जरदाह साइट पर इजरायली सैनिकों के जमावड़े को हिजबुल्ला ने निशाना बनाकर रॉकेट धमाका किया है। हिजबुल्ला ने अपने कब्जे वाले सीरियाई गोलान में होमा बेस पर रॉकेटों की बौछार की है। नईम कासिम ब्रिगेड ने जरीद बैरक में जमा इजरायली सैनिकों को रॉकेट हमलों से मार भगाया है। मलिया में इजरायली सैन्य ठिकाने पर रॉकेट से हमला किया। रमिया साइट से पीछे हटने की कोशिश कर रहे एक इजरायली बुलडोजर को हिजबुल्ला फाइटर्स ने बर्बाद किया है। खिरबेट जरीट में इजरायली पैदल सेना को तोपखाने की गोलाबारी से घेर लिया। हाइफा के दक्षिण में आईडीएफ के हथियार डिपो पर मिसाइल स्ट्राइक की गई है। बलिडा, तिबेरियस, मेटूला बस्ती, कफर युवल और खिरबेत नफा में इसराइल पर रॉकेट अटैक हुआ है। इसराइल मीडिया में भी हिजबुल्ला के 35 रॉकेट अटैक की रिपोर्ट है। इसके जवाब में इसराइल ने हिजबुल्ला पर 200 एयर स्ट्राइक की है। आईडीएफ की 4 डिवीजन ग्राउंड बैटल में हिजबुल्ला की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। आईडीएफ ने पिछले 24 घंटों में लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर 200 हवाई हमले किए हैं। लेबनान में 12 और 13 अक्टूबर के हमले में अब तक 26 की मौत, 144 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की जानकारी है।
नेतन्याहू ने कह दिया।